हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक गैजेट के बारे में बताऊंगा। इस गैजेट का नाम है कोटेस्ट, ठीक है, पुल टाइप ऑफ मैग्नेट कोटिंग थिकनेस गेज। मतलब कि इस हम गैजेट के थ्रू कोई भी मेटल सेक्शन में पेंट का थिकनेस चेक कर सकते हैं, उस मेटल सेक्शन में कितना थिक पेंट हुआ है। ठीक है, ये एक गैजेट एक्चुअली पीवी स्ट्रक्चर में ज़्यादा काम आता है। उसमें हम जब पेंट करते हैं तो जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें सिंथेटिक इनेमल पेंट करना है, एक कोट दो कोट, एक कोट होना चाहिए 25 माइक्रोन का, दूसरा कोट होना चाहिए 30 माइक्रोन का, तो हम उतना एमएम का थिकनेस, मतलब उतने माइक्रोन का पेंट हुआ है या नहीं हुआ है, हम इस गैजेट के थ्रू चेक कर सकते हैं। और भी कई सारे गैजेट आते हैं, डिजिटल वाले भी आते हैं, लेकिन ये मैनुअल है। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव इसका वुडन का बॉक्स है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा ऊपर रखा हुआ है गैजेट। ये जिस भी कंपनी ने बनाया है तो उसका कुछ स्टैंडर्ड है, उनके कुछ मेजरमेंट टिप्स हैं और कैसे मेज़र करना है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, सीधा आपको मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। और इसके साथ एक छोटा सा एक मैनुअल बोल सकते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी कितनी है। से देखिए, आप जैसे फिगर में देखेंगे तो सबसे नीचे साइड है, तो ये जो हमारा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट हमारा मैग्नेट है, ठीक है, और ये बेस है। ठीक है, उसके बाद ये कर्सर है, ऊपर से नीचे हम करके चेक करते हैं कितने माइक्रोन की थिकनेस कोटिंग हुई है किसी मेंबर पर। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ। रस्टी मेटल है एक, जिसके ऊपर आप देखेंगे कोई पेंट नहीं हुआ है, रस्ट है। ठीक है, आप ये सी चैनल जो देख रहे हैं, एक रस्टी मेंबर है लेकिन इसके अंदर कोई पेंट नहीं हुआ है। तो हम इसको पहले चेक करते हैं कि क्या ये जीरो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। आप जिस इसको अब किसी भी मेटल बार में आप इसको वर्टिकल प्लेस करो। ठीक है, वर्टिकल प्लेस करने पे ये क्या हुआ, मैग्नेट इसका इसे चिपक जाएगा। ठीक है, आप स्लोली स्लोली आप कर्सल को ऊपर के मूव करना है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे मूव करते जाएंगे हम। देखिए, जैसे मैंने पूरा ऊपर तक ले गया, कोई भी साउंड इसने नहीं किया, मतलब इसमें कोई पेंट है ही नहीं, तो कहाँ से करेगा। अब हम दूसरे प्लेस में करते हैं, जैसे यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ। ठीक है, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको कांस्टेंट स्पीड में ऊपर ले जाना है। ठीक है, आप इसको ऊपर करते जाइए। ये देखिए, कोई भी साउंड क्रिएट नहीं हुआ, मतलब इस पर कोई पेंट नहीं हुआ है। जैसे अब दूसरे मेटल बार में मैंने इसको प्लेस किया। ठीक है, ये एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल है। ठीक है, अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें मैं इसको ऐसे वर्टिकल प्लेस किया। ठीक है, अब इसको स्लोली स्लोली मूव करना है। ठीक है, अब मूव करते हैं। कोई साउंड नहीं आया, मतलब इसमें पेंट नहीं है तो कोई भी एक साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मैंने एक दो रस्टेड मेटल में किया, रस्टेड में आपका साउंड आ सकता है कुछ माइक्रोन का। ठीक है, लेकिन आपको इसमें नहीं आता। अब मैं क्या करता हूँ, एक आपको पेंटेड मेटल बार दिखाता हूँ। सॉरी, थोड़ा मैं साइट से कबाड़ ढूंढ के लाया हूँ, साइट से कुछ कबाड़ ढूंढने पर यह सब चीज मुझे मिला है। ठीक है, अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक पेंट हुआ है। ठीक है, अब इसमें कितने माइक्रोन पेंट है, अब इसको चेक करने के लिए आप इसको वर्टिकल प्लेस करिए और स्लोली स्लोली मूव करिए। अब साउंड को ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, आपने साउंड, आपने शायद सुना साउंड आया होगा। साउंड हमारा कितना आया, हमारा करीब आया 300 के ऊपर, मतलब कि 310 माइक्रोन इसमें पेंट की थिकनेस है। ठीक है, आप इसको फिर से मैं करके देखता हूँ किसी दूसरे प्लेस पर, तो यहाँ पर मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे इसको धीरे धीरे ऊपर करते जाओ, ये देखिए, इस बार थोड़ा सा कम आया, मतलब 305 के आसपास आया कुछ रीडिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा रस्टेड है लेकिन पेंट की थिकनेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ इसको, नीचे किया, यहाँ प्लेस किया, देखते हैं यहाँ पर रीडिंग कितनी आती है। ठीक है, यहाँ पर मैं धीरे 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 ऊपर करते जा रहा हूँ, ये देखिए करीब 140, मतलब कि 140 यहाँ पर है, ये रस्टेड है, शायद हो सकता है यहाँ पर प्राइमर लगा हो। ठीक है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा कम बता रहा है। ठीक है, तो हमारा पेंट का कितना था, 305 टू 310 तक मैंने रीडिंग निकाली, और जहाँ रस्टेड था वहाँ पर मेरा आया 140 माइक्रोन के आसपास। ठीक है, तो इस आप गैजेट के थ्रू आप किसी भी मेटल सेक्शन में पेंट की थिकनेस चेक कर सकते हैं कि पेंट की थिकनेस कितनी है। ठीक है, आप इसी तरह, आपको मैं एक दिखा दूं कि आपके पास, मेरे पास एक लॉक है जिसमें स्टील का है, कोई भी पेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं जस्ट इसको पुट किया और स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ मूव करो, ये
कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई पेंट नहीं है। अब इसी में हम अगर पेंट कर देंगे जितने भी एमएम जितने भी माइक्रोन का चाहिए, एक कोट चाहिए, दो कोट चाहिए, तो आप पेंट होने के बाद भी उसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अलग डिजिटल भी आते हैं, डिजिटल वाले काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। तो डिजिटल वाला कैसा बताता है, मैंने डिजिटल वाला यूज़ नहीं किया, मैंने मैनुअल वाला यूज़ किया, तो मैनुअल वाला आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आपको ये स्लोली स्लोली इसको मूव करना है, और जो भी आपका जितनी भी रीडिंग आएगी आपको क्लाइंट को बता सकते हैं हमने इस पर इतना पेंट किया हुआ है। आप इसके थ्रू आप मैनुअल या साइट पर भी दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है, ये इस पर देखिए थोड़ा सा रस्टी चिपक रस्ट लग गया है, ठीक है। ये पूरा आप टूल देख लिया, छोटा सा टूल है, ठीक है। तो इस टूल की मदद से आप किसी भी मेटल सेक्शन में आप पेंट की थिकनेस चेक कर सकते हैं कि कितनी माइक्रोन वो पेंट हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।